गुत्थी ने एक गुत्थी के कैरेक्टर में आप एक लड़की बन के आपने पहचान की है जी. तो आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होती है कि मेल कैरेक्टर भी आप प्ले कर रहे हैं मशहूर गुलाटी का. बेसिकली तो आदमी हो ना. हाँ. तो हाँ इसी लेवल पे पॉपुलर. मेरे लिए गुत्थी कभी लड़की नहीं थी. मेरे लिए गुत्थी एक कैरेक्टर थी. एक उसका जेंडर बाय चांस लड़की था. हाँ. तो मुझे कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं लड़की प्ले कर रहा हूँ. मुझे लगता था मैं गुत्थी प्ले कर रहा हूँ जो कि एक छोटे से शहर की गांव की एक भोली सी थोड़ी सी मासूम तो नहीं कह सकते बेवकूफ से कह सकते. डांस का तो कोई फॉर्म नहीं होता ना. सालसा के बारे में बताइए अगर आपको पता है डांस का तो. चलिए सालसा सालासा ये राजस्थानी है. अच्छा राजस्थानी कैसे. राजस्थानी मतलब देखो हम लोग अपने में साला कहते हैं वो साला सा कहते हैं. जीजा सा मासा. आपके पास 20 रुपए हैं. मेरे पे नहीं. देखो फोटो पे माला चढ़ाने के पैसे आपके पास है नहीं. जवान लड़कों के साथ पंगा ले रहे हैं आप. जवान लड़के तो मेरे पास 10 रुपए हैं. हाँ जवान लड़के के पास 10 रुपए हैं. तो अपनी फोटो की चलो माला मैं चढ़ा दूंगा. समझ आई तुमको. सुरजीत जी को फोन लगाया जाए. जीरो कंप्यूटर जी. सुरजीत को फोन लगाया जाए. सुरजीत सिंह जी को कहो पिछली बर्फ वाली गली से जोगिंदर को बुलाएं. बर्फ वाली गली से जोगिंदर सिंह को बुलाया जाए. और 40-45 मिनट लगेंगे क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन किया ना मैंने. तो स्लो स्लो आएंगे. दुनिया में सिर्फ हनीमून बनाना काम नहीं होता भाई साहब. ठीक है इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है. तुमको पता है ऐसे घुटने फोल्ड करके बैठो ऐसे ऐसे करके चलो. ऊपर से तुम जैसे लोग रास्ते पे मोटा मोटा थूक फेंक देते हैं हमको ऐसे स्लिम होके ऐसे चक्के जाना पड़ता. Every night I like you while you sing to sing. Oh, majire. Anticipatory bail होता जैसे वैसे anticipatory shut up. तुम बोलोगे ही बोलोगे ना आगे तो उसके लिए पहले मैंने shut up कर दिया. पहले ये बता तुम्हारे cruise पे आए कैसे. तेरे पास ticket है. टिकट नहीं है मेरे पास. टिकट महंगी बहुत थी 40,000 रुपए की. कौन पागल ले. इस साइड में बोर्ड लगा हुआ था टिकट ना लेने वाले को 3 दिन की जेल. मैंने कहा दिस इज बेटर डील. तो अगर बात करें गुत्थी की आपको एक टेलीविजन पे नई पहचान मिली थी उस कैरेक्टर से. वी नो की काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई और कहीं ना कहीं. लेकिन क्या आप मिस करते हैं उस कैरेक्टर को प्ले करना क्योंकि उस कैरेक्टर ने आपको टेलीविजन पे एक नई पहचान दी थी. आई थिंक कई बार प्रकृति यानी कि नेचर जो होती है वो आपके लिए चीज़ें डिसाइड कर देती है. एक टाइम हो गया था कुछ अर्सा हो गया था उस कैरेक्टर को करते हुए. इससे पहले कि व्यूअर्स फील करने लगे कुछ हमको नया करना चाहिए अपने आप चीज़ें शायद अच्छे के लिए हो जाती हैं. और कुछ नए कैरेक्टर करना और सबसे बड़ी बात नए कैरेक्टर की है. हालांकि जब शुरू किया ये शो थोड़ा सा ऐसा था अंदर से कि शायद ये शो उस लेवल पर लोग एक्सेप्ट करेंगे नए कैरेक्टर्स कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. लेकिन इस शो ने मुझे और मशहूर बना दिया.